दोस्तों आज चुनाव का माहौल चालू है। आज ये घटना आपके सामने, ये एक जगह से नहीं है, कई जगहों से ये घटने की खबर आ रही है। रामपुर के अंदर चुनाव हो रहा है और एक सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास एक डिटेल्स उसका, जो वहां पर पोलिंग बूथ पे जो एजेंट बिठाए गए थे उनको वहां पर एक मोरिया करके जो बीजेपी से एक इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मोरिया जी जो है उनके आदमी लोग ने पोलिंग बूथ से एजेंट को मार के बाहर निकाला और कोई भी एजेंट को वहां बैठने नहीं दे रहे हैं। वहां पर कहते हैं कि यहाँ पे एजेंट की जरूरत नहीं है और उस एजेंट के घर पे भी बीएसएफ वालों को भेज के, पुलिस वालों को भेज के और उनके घर पे उनकी बहन को, उनकी माँ को, उनकी बीवी को धमकाया जा रहा है, उनको बंधक बनाया जा रहा है। तो ये बीजेपी की जो गुंडागर्दी है और बीजेपी का जो ये वोटिंग का जो तरीका है ये इलेक्शन का, ये लोग किस तरीके से, अगर इसी तरीके से अगर गुंडागर्दी चली और इसी तरीके से लोगों को अगर धमकाया गया और डराया गया तो लोग, एक आवाम जो जिनके आगे ये हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं वो कहाँ जाएंगे और वो किसके पास अपना तकलीफ और अपना दुख कहाँ रोएंगे। बीजेपी किसी तरीके से ये कितनी हद तक गिर जाएगी ये आप खुद देख रहे हो। आए दिन झूठ पे झूठ जुमले और आए दिन कोई ना कोई कांड, आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी हमला, आए दिन कोई ना कोई लालच देते हैं जनता को। तो ये कितने हद तक मतलब गिर रही है बीजेपी जो एक पार्टी है, ये किस तरीके से अपना चुनाव जीतना चाहती है। आइए, ये जो एजेंट पोलिंग बूथ का एजेंट था उसके जबानी हम सुनते हैं कि कहाँ पे और क्या घटना हुई है। पूरे एजेंट हूँ मैं, पोलिंग पार्टी से बाहर, पोलिंग से बाहर कर दिया हूँ संगमित्रा मौर्य। फर्जी एजेंट बता रही है मुझे, फर्जी एजेंट बता रही है मुझे और मेरे घर पे पुलिस पहुंची है और कहा है कि इसकी बहू को बैठा लो, इसकी माँ को बैठा लो और माँ को और बहन को गाली दी है मेरी। संगमित्रा मौर्य ने, संगमित्रा मौर्य के उन्होंने क्या नाम लेते हैं वो उसके साथ है, जवान के साथ बीएसएफ वाले गए हैं, उसके खुद के पर्सनल सुरक्षा गार्ड है और बोर्ड अपने हाथों से चीज। क्या नाम है आपका? अवलेश कुमार नाम है मेरा। आपका? मेरा नाम मंटी यादव। तो अंदर भी गई थी वो? अंदर गई, एक घंटे बैठी हुई अंदर, मेरे वोट छीन के डालो उसने और मेरे बिल्ला छीन फार के बोली निकल बाहर, तू कौन है? करिए आपने नहीं घुसने देंगे किसी को एजेंट को। संगमित्रा का प्रत्याशी का मेरे घर जाने का क्या हक है? इसका मतलब दबंगिया है, सीधी सीधी सत्ता का हनक है सीधा सीधा। जबकि मैंने 2017 में सत्ता बीजेपी लड़ाई थी, समाजवादी पार्टी मुझ पर 27 मुकदमे लिखे हुए हैं, 89 बार प्रदेश समाजवादी पार्टी मेरे याद कर दी और इस समय संगमित्रा मौर्य मेरे घर पे गई है, मेरी पत्नी से बदतमीजी बोली संगमित्रा मौर्य, वो सांसद होगी अपने घर के लिए होगी, हमारा राष्ट्रीय मतदान हमारा करने का अधिकार है, हमारे घर पे कोई नहीं जा सकता, हम पोलिंग पे मतदान हमसे कर सकते हैं, हम घर पे बैठे, हमारे बच्चे घर पे बैठे। मैं नाम मोहम्मद शेख, फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।